भारत माता की जय। जरा जोर से बोलिए, लालू प्रसाद जहां भी हो सुनाई पड़ना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, जिनके नेतृत्व में बिहार में पहले भी हमारी सरकार बन चुकी है, ऐसे हमारे चुनाव प्रभारी और उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार जी, पटना के ही नेता और भारत सरकार में दूरसंचार मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, इस्पात मंत्री और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के ही श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय सचिव श्री महेश गिरी जी, पटना शहर के चारों प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, संजीव चौरसिया जी, नितिन नवीन जी और सत्यदेव नारायण आर्य जी, और आज पटना और आसपास के जिले की 32 सीटों से उपस्थित मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मेरा पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं का मिलने का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसका तीसरा कार्यक्रम आज पटना में हो रहा है और दो होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये 5 कार्यक्रमों में पटना की सभी 243 सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी बातचीत का कार्यक्रम बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उसी कार्यक्रम के तहत मैं आज यहां पर आया हूं। मित्रों, मैंने कल भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव उसका जीतने का तरीका अन्य पार्टियों से अलग है और पार्टियां एक लहर के आधार पर, वेव के आधार पर, नेताओं के भाषण के आधार पर, नेताओं की प्रतिभा के आधार पर चुनाव जीत सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं के बूते पर ही चुनाव जीत सकती है। उसका विजय का नींव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डालता है और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मेरे संपर्क का एक कार्यक्रम बनाया है। मित्रों, हम सब चुनाव के मैदान में खड़े हैं, ज्यादातर पर्चे तीसरे फेज के भी आज डल जाएंगे, आज सारे पर्चे डल जाएंगे ना अध्यक्ष जी, तीसरे फेज के शुरू हो गया तो पर्चे डलते ही चुनाव शुरू हो जाता है और चुनाव के मैदान में जब भारतीय जनता पार्टी का सैनिक होता है तब उसके मन में विजय का विश्वास होता है। मैं पूरे बिहार में विगत 2 महीने से घूम रहा हूं, 3 फेज के कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है, आज सीमांचल में रैली भी हुई, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, इतना घूमने के बाद एक बात निश्चित है कि सामने की दीवार पर भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत वाली सरकार स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
भारतीय जनता पार्टी का विजय निश्चित है, मगर यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि विजय कोई हल्का फुल्का विजय न हो, ये विजय कोई सादा सीधा विजय न हो, ये विजय इतना प्रचंड हो कि देश भर के भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधियों के दिल दहल जाए और बर्फ में रात हो जाए। इतना प्रचंड विजय बिहार में होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक जितने भी लोग हो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि पटना की जनता ने इस बार मन से परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है। और मित्रों, उसका कारण ये बिहार प्रदेश, जिनका भी इतिहास में रुचि होगा उसको मालूम होगा, ये वो महान प्रदेश है जहां 600 साल तक सम्राटों की परंपरा रही, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज किया। पूरे हिंदुस्तान पर इस बिहार ने 600 साल तक राज किया है, ये वो महान प्रदेश है, ये वो प्रदेश है जहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के हेतु यहां आते थे, ये प्रदेश है जहां अर्थशास्त्र लिखा गया, ये प्रदेश है जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य की गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई, ये बुद्ध और महावीर का प्रदेश है, ये प्रदेश के अंदर मां गंगा का वरदान है, जहां भी देखिए पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। मैं तो ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी निकालना पड़ता है, यहां मां गंगा का वरदान है। और पूरे देश में, दुनिया में जिस बिहार का मेघा की चर्चा होती थी, जिस बिहार के विद्यार्थियों की चर्चा होती थी, वो बिहार आज कैसा हो गया, जिस बिहार ने बाबू राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम जी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, एक ऐसी महान परंपरा थी, वो बिहार आज कहां आकर हो गया। ये 25 साल में नीतीश और लालू के शासन में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बनाकर मित्रों रख दिया है, सबसे पिछड़ा राज्य बनाकर। 15 साल का लालू का जंगल राज, जिसमें बिहार में डकैती, फिरौती, खून, अपहरण, बलात्कार, रोजमर्रा के दंगे, और इसके कारण पूरा बिहार तहस नहस हो गया। और स्थिति यह आ गई कि पूरे देश भर में जहां भी जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वहां की समृद्धि के मूल में जाएंगे तो बिहारी युवा का परिश्रम और पसीना वहां की समृद्धि के मूल में है। मगर पूरे देश को समृद्धि दिलाने वाला बिहार, पूरे देश को समृद्धि दिलाने वाला बिहार का युवा बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि यहां अव्यवस्था। और जो बिहार कभी देश का नेतृत्व करता था, तानाशाही के खिलाफ सबसे पहली आवाज बिहार से उठी, यही गंगा के किनारे से जयप्रकाश ने ललकार करी थी और गुजरात तक आंदोलन फैला था और कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया था, ये वो बिहार है। वो बिहार आज पिछड़ गया, वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावे आज कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमने संघर्ष किया था 10 साल पहले लालू जी के जंगल राज के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ा था और हमने नीतीश जी को अपना नेता भी बनाया था और एक मिलीजुली सरकार बनी जिसने लालू जी के शासन से बिहार को मुक्ति। मगर अंत में क्या हुआ, वो सरकार चली तब हमको मालूम है नीतीश कुमार जी के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं का बहुत अपमान हुआ है, बहुत अपमान हुआ है। फिर भी नीतीश कुमार को नेतृत्व देकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में से जंगल राज की मुक्ति के लिए उनको समर्थन किया। हम समर्थन करते रहे करते रहे, मगर उनके मन में जो अहंकार और महत्वाकांक्षा थी देश का प्रधानमंत्री बनने की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बिहार
बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में छुरा भोंक कर सरकार को गिरा दिया और फिर से लालू का साथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आप मुझे बताइए मित्रों, बिहार में विकास लालू के जंगल राज और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ आ सकता है क्या? आ सकता है? 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, इसको एक कंधे पर नीतीश कुमार ने बिठाया है और बिहार में अपहरण, फिरौती, गुंडागिरी, हत्या करने वाले, उनके राज में बिहार को जंगल राज में बदलने वाले लालू को दूसरे कंधे पर बिठाया है और कहते हैं मैं विकास करने आया हूं। विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अगर लालू, नीतीश और कांग्रेस की ये जोड़ी को बिहार की जनता तय करती है तो जंगल राज टू आना निश्चित है मित्रों। जंगल राज टू आना निश्चित है। अगर जंगल राज टू लाना नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावे और कोई चारा नहीं है मित्रों। हम जहां जहां गए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है विकास का। हम जहां जहां गए हमने विकास किया है। हमें गुजरात में मौका मिला, आज तक नहीं हारे। हमें मध्य प्रदेश में मौका मिला, आज तक नहीं हारे। हमें छत्तीसगढ़ में मौका मिला, आज तक नहीं हारे। राजस्थान में भी बरोबर बने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस देश में 13 राज्य सरकार ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की है या तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार है और केंद्र सरकार भी है। एक और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और एक और जंगल राज का भूत नीतीश के पीछे पीछे आ रहा है। बिहार की जनता को यह स्थिति समझाना पड़ेगा मित्रों। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, वो विकास का मौका अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी मिल जाए, मुझे बिहार के युवाओं, मां गंगा के पानी और गंगा के मैदानों पर भरोसा है, देखते देखते बिहार देश का नंबर 1 राज्य बनकर उभर आएगा। देखते देखते, और वो दिन दूर नहीं है कि रोजगारी के लिए बिहार के युवा को गुजरात जाना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं रहेगी। महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हरियाणा जाने की जरूरत नहीं रहेगी। रोजगारी खुद ही खुद बिहार में आकर युवाओं के पास खड़ी होगी। ऐसी सरकार हम बनाना चाहते हैं, हमने कर दिखाया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर गांव के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार के गांव में, सुदूर गरीब गांव में 24 घंटा बिजली आती है? बताइए, आती है? बिहार का हर गांव रोड से जुड़ा है? कोई अगर मां या वृद्ध पिता बीमार पड़ जाए और कोई बेटा 108 नंबर डायल कर दे तो 10 मिनट में आपके यहां एम्बुलेंस पहुंचता है क्या? पहुंचता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पताल में दवाइयां हैं, किसान का धान खरीदा जाता है, शुद्ध पीने का पानी मिला है, हर गांव में अच्छी शाला और उच्च शिक्षा की व्यवस्था पटना में है। कुछ नहीं है मित्रों, कमाई, दवाई,
10 लाख तक का लोन किसी साहूकार के वहां नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी प्रकार की गारंटी के बगैर सस्ते ब्याज से लोन देने का मुद्रा बैंक का योजना भी मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, आप भी कार्यकर्ता हैं, मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया में बड़ा सम्मान मिला है। आप मुझे बताइए, पहले जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे या नहीं जाते थे? बताइए भाई, जाते थे या नहीं जाते थे? और मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री, किसी को मालूम पड़ता था? अब मोदी जी जाते हैं, सबको मालूम पड़ता है, पड़ता है। अभी अमेरिका गए थे, कितने लोगों को मालूम था? जरा हाथ खड़ा करिए तो, सबको मालूम है ना। वो इसलिए मालूम पड़ता है कि जब अब मोदी जी जाते हैं, हजारों हजारों का हुजूम उनको सुनने के लिए विदेश में लालायित होकर रोड पर स्वागत में खड़ा होता है, इसलिए मालूम पड़ता है। और मोदी जी का जो स्वागत हो रहा है, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है। मोदी जी का स्वागत जो होता है, वो देश के 125 करोड़ लोगों का स्वागत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में। अभी तो नरेंद्र भाई जब यूएन में पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और हिंदी भाषा में संबोधित करते हैं, तो देश के नागरिक की छाती गज गज हिंदी का सम्मान देखकर फूल जाती है, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। तो इस प्रकार से कई सारे काम इस सरकार ने किए। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर 125 करोड़ का पैकेज जो नरेंद्र भाई ने बिहार के लिए दिया है, वो बिहार की तकदीर बदल दिया। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 रुपया चालू योजनाओं में बढ़ोतरी कर 1,65,000 करोड़ रुपया जो नरेंद्र भाई ने बिहार के लिए दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की सरकार का कुल बजट 50,000 करोड़ रुपया है और नरेंद्र भाई ने कितना दिया? 1,65,000 करोड़ रुपया। कितना दिया बोलिए? 3 साल के बजट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। और ये दोनों नेता हैं, लालू और नीतीश, जो मुंह से धन्यवाद का शब्द भी नहीं बोलते। नीतीश जी ने तो वहां तक कह दिया कि बिहार अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। भैया, ये 1,25,000 करोड़ रुपया हम बिहार के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के लिए दी रहे, ये कल्पना में मुगालते में मत रहिए कि हम आपको दे रहे हैं। इसको इनकार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस पैसों पर बिहार के गरीब युवा का अधिकार है, इस पैसों पर बिहार के गांव का अधिकार है, इस पैसों पर बिहार के किसान का अधिकार है। कौन होते हो आप नीतीश कुमार जी ना बोलने वाले? कौन होते हो? ये पैसा भारत सरकार ने बिहार के गरीब के लिए भेजा है और उस पर बिहार के गरीब का, युवा का, महिला का, किसान का अधिकार पड़ा। एक पैकेज की बात लेकर, भारत सरकार की बात लेकर, जंगल राज आएगा वो बात लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने घर घर जाना है। 32 की 32 सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है वो मत देखिए। एनडीए का कोई भी साथी हो, चाहे कमल का निशान हो, चाहे झोपड़ी हो, पंखा हो या टेलीफोन हो, हर प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा करनी चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। परिश्रम के बगैर परिवर्तन नहीं होता। हमारे पार्टी के खिलाफ हमारी विचारधारा के सारे लोग लामबंद होकर बिहार के मैदान में आएंगे, मगर मुझे भरोसा है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुंह पर भारत माता की
जय का नारा, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और सामने भारत माता का मानचित्र लेकर निकलेगा तो विजय निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी, आप इतना बताइए, आप सब तीसरे चरण के मतदान तक सारे काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है क्या? जरा जोर से बोलिए, है? बिहार में परिवर्तन लाएंगे, जंगल राज को रोकेंगे, लालू नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य जाने से रोकेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे।